गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 5 तारीख दिन सोमवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ मार्केट खुला है और आज मार्केट में जो है कितनी गाड़ी पहुंची है, ताजा कितना गाड़ी है, कितना बैलेंस है और आज जो है यहाँ पे किस किस राज्य का प्याज आया है जी। और इस समय देख सकते हैं दोस्तों कुछ मार्केट में ग्राहक कुछ इस तरह का देखने को मिला है जी। देखो जी, और दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में, सर के पास देख सकते हैं ग्राहक कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है और गाड़ी जो है बिक चुका जी पूरा लगभग, बस तुलना बाकी रह गया। तो ये सारे लोग जो है तुलवा ही रहे माल को, बाकी देखते हैं आज का क्या कुछ माल रहा, सर के पास किस एरिया का माल आया, एक एक करके क्वालिटी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद सर से रेटों का जानकारी लेंगे। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल नजर आ रहा है। एक बार जूम कर देता हूँ वीडियो को दोस्तों, देखो जी। और दोस्तों सर के पास जो प्याज है जी कुछ इस तरह का क्वालिटी देखो, और इधर भी लोट पलटे हुए सर ने, इधर भी है। हेलो, देखो जी हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी आज का माहौल कैसा है, कितनी गाड़ी पहुंची यहाँ पे और कल का बैलेंस कितना है? 59 गाड़ी ताजी है जी, और 15 गाड़ी परसों की खड़ी थी। अच्छा जी, 30-32 गाड़ी नीचे बैलेंस, ऊपर नीचे मिला के 90 गाड़ी के आसपास। अच्छा, तो मतलब और दिनों के मुकाबले अराइवल कम है या फिर ज्यादा है? नहीं, परसों से तो आमदनी आज ज्यादा है, चूंकि आज मंडे है, सोमवार दिन है, 2 दिन की आमदनी होती है ना। अच्छा अच्छा, कोई ज्यादा खास आमदनी नहीं है। अच्छा जी हाँ। तो सर जी आज जो है मतलब डबल मंडी भी एक तरह से है, सोमवार का दिन और शनिवार का दिन डबल मंडी रहता है, तो सर आज गाड़ी कितना लग रहा है, कितना गाड़ी बिक जाएगा? 50 से 55 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। 50 से 55। और सर जी अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो किस किस एरिया के यहाँ पे कितना गाड़ी पहुंची सर? 20-21 गाड़ी गुजरात की है। अच्छा, 25 गाड़ी के आसपास पूना है। अच्छा, 10-11 गाड़ी के आसपास नासिक का है। अच्छा, और एक गाड़ी MP है। अच्छा, राजस्थान भी 1-2 गाड़ी है। अच्छा हाँ, आमदनी ज्यादा आमदनी गुजरात और महाराष्ट्र की है। अच्छा जी। और सर जी अगर बात करें नेफिड और NCCF के माल का, तो आज यहाँ पे कितना पहुंचा सर? NCCF 3 गाड़ी ताजी है जी, 2 गाड़ी परसों खड़ी है, 5 गाड़ी है खड़ी। अच्छा, और नेफेड 11 गाड़ी है आज। 11 हाँ, जो अभी मतलब 12 बजे बिकेगा। अच्छा जी, वही मतलब 10 से 15 का रेशियो आ रहा है कुल मिला के, है ना जी। तो सर जी अगर बात करें आज के भाव का, तो आज किस तरह का भाव खुला है सर मार्केट में? अच्छे माल पे परसों से 10-20 रुपए टाइट है, टाइट है बाजार अच्छे मालों पे। अच्छा जी, और हल्के माल अपने भाव। अच्छा, तो सर जी ये जो गुजरात के काले वाले माल है, इसका क्या बाजार चला जी? ये काला माल भी क्या है, 560 से 580 रुपए, 560 से लेकर के 580 रुपए। हाँ अच्छा, 14-14.5 रुपए। अच्छा जी, और सर जी इसमें गोल्टी गोल्टा भी आ रहा है क्या प्याज? नहीं, गोल्टी नहीं है, प्याज अच्छी है। अच्छा जी, इसी चाल के सारे प्याज आ रहे हैं? हाँ, नहीं गोल्टा भी आ रहा है। अच्छा, ये प्याज एक चाल की है। अच्छा जी हाँ, तो गोल्टा किस भाव बिक रहा है सर? 12-13 रुपए का, बढ़िया गोल्टा, बढ़िया काले में। हाँ, और सर जी गुजरात के अगर माइक्रो कलर की अगर बात करें सर जी? माइक्रो मैंने बेचा 680 से 740 रुपए, 680 से लेकर के 740 रुपए, यानी कि 17 रुपए से लेकर 18.5 रुपए किलो। अच्छा जी, 17 अच्छी है। अच्छा जी, और सर जी इसमें जो है माइक्रो कलर में साइज कैसा आ रहा है सर? अच्छा साइज आ रहा है, मीडियम अच्छा। भी आ रहा है, मोटा भी आ रहा है, एवरेज भी आ रहा है। अच्छा, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड साइज आ रहा है जी। हाँ। नासिक से बढ़िया क्वालिटी है इसकी। अच्छा जी, और सर जी इसमें जो लाट मोटे वाले हैं तो उसका क्या? 700 से 750 का बता रहे जी। और सर जी वही बात करें नासिक के प्याज का, तो उसका क्या? नासिक क्वालिटी बहुत वीक है। अच्छा, नासिक 600-650, ऊपर में 700 बहुत VIP होगा तो। अच्छा जी, बल्कि पूना बिक रहा है 700 से 850 पर केजी की बात करें सर जी, नासिक और पुणे बेल्ट का 16.5 रुपए से लेके 21 रुपए किलो पूना। पूना अच्छा जी, और नासिक? नासिक 15 रुपए से लेके 17-18 रुपए तक। अच्छा, लेकिन नासिक की क्वालिटी वीक है। अच्छा, और सर जी वही बात करें MP वाले प्याज का, तो उसका क्या बाजार चला? बढ़िया प्याज होगा 650-700। अच्छा जी हाँ, और सर जी वही अगर बात करें राजस्थान का, कुचामन सिटी और सीकर 380 से 410-420। अच्छा, कुचामन 450-450। अच्छा, और ये मथानिया वगैरह अभी नहीं चल रहा? मथानिया अभी अप्रैल बाद चलेगा। और सर जी बात करें नेफिड और NCCF के प्याज का, उसका क्या बाजार चला? 500 से लेकर 600 रुपए। अच्छा, तो सर जी इस समय जो बाजार है मतलब बाजार के हिसाब से क्या कंडीशन लग रहा है, जो आने वाला सप्ताह रहेगा, अब तो ये सप्ताह स्टार्ट हुआ है, ये पूरा सप्ताह क्या बाजार चल सकता है सर प्याज? मार्केट एक दो रुपए ऊपर नीचे चलती रहेगी, ज्यादा अप डाउन नहीं होगा। ज्यादा अप डाउन नहीं होगा, 1-2 रुपए का ही खेल रहेगा। अच्छा, और सर जी बात करें जिस तरह से दिल्ली में बारिश 1-2 दिन हुआ जी, तो प्रोडक्शन मंडियों के साइड जो है
उन इलाकों में भी क्या बारिश हुआ सर? नहीं, प्रोडक्शन मंडियों में कोई बारिश नहीं है, पीछे मौसम हर जगह क्लियर है। अच्छा, क्योंकि पंजाब के साइड में जो है देखने को मिला कि जो ओले भी पड़े, काफी अच्छे मात्रा में ओले पड़े सर, नुकसान भी काफी हुआ गेहूं और आलू वगैरह में। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी जी, यहाँ तक बिहार तक थोड़ा बहुत मौसम खराब तो है जी, लेकिन जहाँ से प्याज आ रहा है वहाँ मौसम ठीक है, क्लियर है। अच्छा। इसलिए मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहाँ बारिश होगी सोलर पॉइंट कमजोर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा बस। और सर जी, अभी जो नेफेड और एनसीसीएफ के जो माल है और दिनों से जो है अब कंट्रोल में हो चुका था, 4-5 दिन से या एक सप्ताह से, है ना जी, 10 से 15 का एवरेज आने लगा है, तो ये क्या धीमे धीमे और कम होगा या फिर बढ़ेगा? इसमें ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी खरीदारी बंद है तो माल कम आ रहा है। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है, अगर गवर्नमेंट खरीदारी के लिए सिग्नल दे देगी, अच्छा, फिर वहाँ खरीदारी शुरू हो जाएगी, आमदनी बढ़ेगी। तो मतलब अभी इनका कुछ फिक्स नहीं है कि जो कितना माल खरीदना है कितना नहीं खरीदना? हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी बैलहार बंद है। अच्छा, फिलहाल अभी बंद है जी। अच्छा, एनसीसीएफ की खरीदारी बंद है। अच्छा, एनसीसीएफ की, हाँ, नेफेड चल रहा है, नेफेड चल रहा है। और सर जी, अभी फिलहाल अगर बात करें ये जो गुजरात का प्याज है, ये कितने दिन लगभग चलेगा? और ये तो अभी मार्च अप्रैल तक चलेगा, मार्च अप्रैल, मार्च तक तो चलेगा। और नासिक जो नए प्याज है सर जी, नए क्रॉप है, नासिक जो लाल है वो तो चल रहा है, बाकी जो रंगला कलर है गाउटी वो निकलेगा 1 महीने बाद। अच्छा, तो सर जी अभी ये जो नया क्रॉप है इधर का नासिक के बेल्ट का, तो ये लगभग कितने दिन में एंड होगा सर? ये ब्रेक पड़ेगा, वहाँ आमदनी कम है महाराष्ट्र में, इसलिए तो आमदनी साल्ट होती जा रही है। अच्छा, तो वहाँ ब्रेक पड़ेगा 1 महीने के लिए जी, 1 महीने के लिए ब्रेक पड़ेगा जी। हाँ, तो सर एक हमारे जो है व्यूवर्स जो है, दर्शक जो है, उनका भी कमेंट था कि जो अगर नासिक का एरिया का अगर कुछ माल अगर कम होता है तो दिल्ली के बाजारों में क्या प्रभाव पड़ेगा? नासिक आमदनी जो 1 हफ्ते से कम हुई है, थोड़ा आमदनी साल्ट हुई, इसीलिए तो मार्केट 2-3 रुपए उठ गया है। अच्छा, और अगर एनसीसीएफ मैदान में नहीं आता तो 1-2 रुपए मार्केट और उठेगी। अच्छा, अगर गवर्नमेंट आ जाएगी मैदान में जी, फिर व्यापारी पीछे हट जाता है क्योंकि उसका पलटा खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मार्केट फिर वहीं रुक जाएगी। अच्छा, हाँ, तो ये 1 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा सर, अभी मतलब आता रहेगा 1 महीने तक, उसके बाद 1 महीने बाद यदि अगर वहाँ का अगर शॉर्टेज होता है, वो एरिया अगर शॉर्टेज नहीं होगा, 1 महीने बाद गाउटी निकलेगा। अच्छा, 1 महीने बाद गाउटी निकल जाएगा, 1-1.5 महीने बाद गाउटी निकल जाएगा नासिक का। अच्छा, और ये जो फिलहाल जो कम कम गाड़ी आएगा नासिक से, थोड़ा बहुत माल आएगा, तो इसमें कुछ बाजार टाइट होगा नासिक, क्योंकि सर जी लासलगांव जो है नासिक का है ना जी, वही प्याज का जो है सबसे बड़ा हब है, और हब अगर थोड़ा सा हब के साइड से अगर कम होता है प्याज का अराइवल, तो कुछ बाजार टाइट होने का? वहाँ अराइवल कम है ऑलरेडी। अच्छा, वहाँ अराइवल उतनी नहीं हो रही है, वहाँ इसलिए ढीला है 1-2 रुपए बाकी मंडियों से, चूंकि वहाँ क्वालिटी नहीं है। अच्छा, मेन क्वालिटी का इशू, वहाँ क्वालिटी में दिक्कत है, वहाँ अच्छा, से टाइट पूना है, वहाँ से टाइट गुजरात है। अच्छा, वहाँ क्वालिटी मेंटेन है। अच्छा, क्वालिटी अच्छी है। तो फर्क डालेगा बाजार में या फिर नहीं डालेगा? फर्क तो कुछ बहुत थोड़ा बहुत पड़ भी गया है, थोड़ा बहुत पड़ भी सकता है फर्क। अच्छा, लेकिन अगर एनसीसीएफ मैदान में नहीं आता है तो, अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने एनसीसीएफ को फिर टेंडर दे दिया जी, तो मार्केट फिर यहीं रुक जाएगी। अच्छा, मतलब जैसे अभी बंद है तो बंद रहेगा, तो फिर बाजार धीमा धीमा जो है उठेगा, 1-2 रुपए उठेगा। हाँ। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, 1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद सर जी। ओके सर।